हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम, दैट इज़ अ पोम फॉर मदर, और जिसे लिखा गया है रॉबिन एस एन गैंगोम के द्वारा। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है, यदि आप उनको देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द कम्प्लीट नोट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, किसी भी एग्जाम के लिए कम्प्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द आथर ऑफ द पोम अ पोम फॉर मदर। अ पोम फॉर मदर का आथर क्या है, कौन सा राइटर है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबिन एस गैंगोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, वॉट इज द नेम ऑफ द पोएट्स मदर मैंशन इन द पोम। आपको बताना है कि पोएट्स की मदर का नेम क्या है जो कि इस पोम में मेंशन किया गया है। सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, पालेम अपोक्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में पोएट कैसा था, अपने आप को किस रूप में डिस्क्राइब करता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, पेनफुली शाय विद अ रेवेनस एपेटाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा शाय था, और रेवेनस एपेटाइट की मीनिंग होती है वेरी हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डिड द पोएट ऑफन डू दैट कॉज्ड हिम टू लूज मेनी टीथ। ये कहना चाहते हैं पोएट्स हमेशा कौन ऐसी एक्टिविटीज़ करता था जिसकी वजह से उसके कई सारे दांत गिर गए थे। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी एम्प्टीइंग हिज मदर्स लैडर। लार्डर की मीनिंग होती है जहाँ पे कुछ सामान रखा जाता है, पैंट्री टाइप का होता है खाने पीने का, तो पोएट खा जाता था, खाली कर देता था, जिसकी वजह से उसके दांत गायब हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव, व्हाट डिड द पोएट्स मदर टीच हर चिल्ड्रेन अबाउट मनी एंड टाइम। मनी और टाइम के बारे में पोएट की मदर ने अपने बच्चों को क्या सिखाया था। तो फाइव का हमारा सही आंसर है बी, दे आर हार्ड टू कम बाय, यानी इन चीज़ को बैलेंस बनाकर रखना और कमाना दोनों मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, हाउ डज द पोएट फील अबाउट हिज मदर्स सेक्रीफाइस। अपनी मदर के सेक्रीफाइस के बारे में पोएट कैसा महसूस करता है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, ही फील्स रिग्रेटफुल, वो जो बहुत ही रिग्रेट महसूस करता है अपनी मदर की सेक्रीफाइस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन्थ, व्हाट डज द पोएट अपोलोजाइज फॉर इन द पोम। पोम में जो पोएट होता है किस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करता है। तो सेवन्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, Not inheriting his mother's stable ways, यानी उसकी मम्मी की जो तौर तरीके थे उसको उसने नहीं अपनाया था, और इस वजह से वो रिग्रेट महसूस करता है, माफ़ी मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, What physical changes in the poet's mother does he notice? कौन सा फिजिकल चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं अपनी मदर में, जिसको पोएट महसूस करता है, देखता है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर है सी, लाइन्स हैव फरोड हर फेस एंड हर हेयर हैज टर्न ग्रे, यानी कि उसके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई थी, रिंकल्स आ गई थी, और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे उसकी मदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द पोएट इमेजिन हिज मदर बिगिंस हर वर्क। पोएट के अनुसार किस समय वो इमेजिन करता है कि उसकी मम्मी उसका अपना काम शुरू कर दी थी। तो नाइन का हमारा सही आंसर है सी, बिफोर कॉक क्रो विद टेम्पल बेल्स, टेम्पल की जब बेल बजती थी, और बिफोर कॉक क्रो होता है सुबह की रोशनी, यानी कि डे ब्रेक होता है, तो जब सुबह की सूरज निकलने से पहले की रोशनी होती थी, उस समय जब बेल बजती थी उस समय वो काम करना शुरू करते थे, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, व्हाट डेली चोर्स, चोर्स मीन्स घर का काम होता है, ऑफिस मदर डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोम। इस पोम में अपनी मदर के कौन से डेली काम को पोएट डिस्क्राइब करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, स्वीपिंग द फ्लोर एंड कुकिंग, वो फ्लोर को साफ करती थी और कुकिंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज करंट लाइफ, अपनी करंट लाइफ को किस तरह से डिस्क्राइब करता है पोएट। तो 11 का हमारा सही आंसर है सी,
स्मॉल विद स्मॉल ड्रीम्स, यानी कि बहुत ही छोटी ही जिंदगी है और बहुत ही छोटे ख्वाब हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इमोशन डज द पोएट एक्सप्रेस टुवर्ड्स हिज मदर्स हार्ड वर्क। अपनी मदर के हार्ड वर्क के प्रति कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करता है पोएट? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, अप्रिशिएशन एंड सॉरो। अप्रिशिएशन करता है यानी कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है तो उसके लिए वो तारीफ़ करता है उनकी। सॉरो इसलिए फील करता है क्योंकि उसकी कोई भी क्वालिटीज़ को पोएट ने अपनाया नहीं, तो इसलिए दुख महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज द पोएट अपोलोजाइज फॉर इन द पास्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोम। पोम के लास्ट पार्ट में पोएट किस चीज़ के लिए जो है अपोलोजाइज करता है? तो थर्ड का हमारा जो है 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी फॉर नॉट बीइंग अ बिग मैन विद अ बिग ड्रीम, यानी कि वो बिग मैन और उसके पास बड़े सपने नहीं, इसके लिए वो अपोलोजाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द पोएट्स मदर डू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बाजार। बाजार से वापस आकर के पोएट की मदर क्या करती थी? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी कंटिन्यूज ट्रॉयलिंग। ट्रॉयल मीन्स होता है मेहनत करना, तो फिर से वो मेहनत करना शुरू कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द पोएट से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। पोएट ने अपनी मदर से क्या चीज़ इनहेरिट किया था, क्या चीज़ उसको विरासत में मिली थी? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, नथिंग, यानी कि कुछ भी उसने अपनी मम्मी का नहीं अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज द पोएट्स मदर वरी अबाउट द मोस्ट। तो ये बेसिकली अबाउट नहीं आएगा, व्हाट डज द पोएट मदर वरी मोस्ट। तो ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर के पोएट की मदर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ने हर सन्स हस्बैंड्स एंड डॉटर्स इन लॉ। अपने सन को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के और डॉटर्स इन लॉ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डिड द पोएट्स अबंडन व्हेन ही लेफ्ट होम। जब पोएट ने अपना घर छोड़ा था तो उसने किन सारी चीज़ों को छोड़ दी थी? तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी मच ऑफ हिमसेल्फ। मच ऑफ हिमसेल्फ ये कहना चाहते हैं यानी कि जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी चीज़ उन्होंने घर पे छोड़ दिया था, तो इस वजह से मच ऑफ हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज द पोएट्स मदर डू एवरी डे आफ्टर द सेक्रेट बाथ। यानी कि एक पायस पवित्र बाथ के बाद में हर रोज़ पोएट की मदर क्या करती थी? तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, शी कुक्स फॉर द फैमिली। वो फैमिली के लिए खाना पकाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज मदर्स हेयर। अपनी मदर के हेयर को किस तरह से डिस्क्राइब करता है पोएट? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, शोइंग द फर्स्ट साइन ऑफ द स्नो। यानी कहना चाहते कि उसके जो बाल थे वो सफ़ेद होना, ग्रे होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट इन द पोम। इस पोम में पोएट किस चीज़ को रिग्रेट करता है, खेत किस चीज़ को उसको है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, नॉट लिविंग अप टू हिज मदर्स ड्रीम। यानी कि अपने मदर के अनुसार वो नहीं रह रहा था, उनके ड्रीम के अनुसार वो नहीं रह रहा था और उसी चीज़ का उसको रिग्रेट था, उसको खेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड स्कूल डेज। यानी जो पोएट है अपनी स्कूल डेज को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो 21 का सही आंसर है बी, यानी डिफिकल्ट फॉर हिज मदर। उसकी मम्मी के लिए मुश्किल थे। उसकी मम्मी के लिए मुश्किल क्यों थे? क्योंकि पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो है बहुत ही रोमांटिक टाइप का पोएट था, हर एक से रोमांस किया करता था, जिसकी वजह से कंप्लेनें आया करती थी घर पे, तो मम्मी के लिए डिफ़िकल्टी होती थी, तो इसी वजह से यूज़ किया गया डिफ़िकल्ट फॉर हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द पोएट से हिज मदर टोल हर चिल्ड्रेन अबाउट। यानी कि पोएट क्या कहता है कि उसकी मम्मी ने अपने बच्चों को किस चीज़ों के बारे में बताया था? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, दैट मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। कि पैसा और समय ये पेड़ पे नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस अबाउट हिज मदर्स स्माइल। अपने मदर की स्माइल के बारे में क्या बताता है पोएट? तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, हर लिप्स कुडंट बर्जन इन अ स्माइल ड्यू टू वरी। यानी कि उसके चेहरे पे कभी भी उसके लिप्स पे, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी चिंता की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट पोएट अपोलोजाइज। ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ है जिसके लिए पोएट अपोलोजाइज नहीं कर रहा है, उसको रिग्रेट नहीं हो रहा है? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी,
लीविंग होम टू बिकम अ मैन, यानी कि उसने घर को छोड़ दिया था एक मैन बनने के लिए और इस चीज़ पे उसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डिड द पोएट्स मदर डू एवरी डस्क अकॉर्डिंग टू द पोम। ये डस्क की मीनिंग होती है शाम का समय, सूरज डूबने के बाद का जो हल्की रोशनी होती है उसको बोलते हैं डस्क। तो डस्क के समय उसकी मदर क्या करती थी आपको बताना है। तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, शी रिटर्न फ्रॉम बाजार विद बास्केट्स ऑन हर हेड, यानी कि अपने सर पे बाजार से टोकरी लेकर के वापस आ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज मदर्स वर्क फॉर हर अनमैरिड सन्स एजिंग हस्बैंड एंड डॉटर्स इन लॉ। ये कहना चाहते हैं जो पोएट होता है अपने मदर के वर्क को किस तरह से डिस्क्राइब करता है अपने अनमैरिड सन के लिए, एजिंग हस्बैंड के लिए और डॉटर इन लॉ के लिए। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, टायरलेस एंड सेल्फलेस, वो बिल्कुल अथक प्रयास करती थी और बगैर किसी स्वार्थ के काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन द पोम व्हाट डज द पोएट से ही इज स्टिल टू हिज मदर। तो ये कहना चाहते हैं पोम में पोएट क्या कहता है कि वो अपने मदर के लिए अभी वैसे ही है। तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, यानी हर पेनफुल शाय सन, यानी कि वो अभी अपनी मदर के लिए एक पेनफुल शाय सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द पोएट्स अपोलॉजी रिवील अबाउट हिज फीलिंग। जो पोएट की अपोलॉजी है उसकी फीलिंग के बारे में क्या बताती है। तो 28 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि ही फील्स गिल्टी एंड इनएडिक्वेट, वो गिल्टी महसूस करता है अपनी मदर को लेकर के, वो सारी चीज़ों को उसने फॉलो नहीं किया। इनएडिक्वेट भी महसूस करता है क्योंकि उसने उनकी क्वालिटीज़ को फॉलो नहीं किया। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।